अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सिंबल जुगता व्लॉग। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अपनी कैट्स और डॉग्स का घर। काफ़ी टाइम बाद दिखाने जा रहे हैं, पर दिखाते हैं। हमने काफ़ी सालों से स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट, पर नहीं था हो पा रहा। ये एक मेरा ड्रीम था कि इसको मैं पूरा कर सकूँ किसी तरह, बट अभी भी पूरा नहीं हुआ है। बट ये कि कोशिश हमारी थोड़ी सी एक मतलब इसने एक अपनी शक्ल ले ली है, एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बन गया हमारा, और हमें समझ आ गई है कि ये आगे बस सिर्फ मेंटेन करने वाली बात है। बट ज़्यादा नहीं, हम लोग मैं ज़्यादा तो नहीं अफोर्ड कर सकती, बट जितना भी कर सकती हूँ, मतलब मैं उन जानवरों की हेल्प करना चाहती थी लाइफ में कि जिनको ज़रूरत है, ना कि उनकी, कि जो आप लोग मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो पालते हैं अपने शौक के लिए और फिर बाद में किसी और को दे देते हैं। मैं हरगिज़ भी वो जानवर नहीं रेस्क्यू करती और ना ही मतलब करना चाहूँगी, क्योंकि वो आपकी या किसी के भी शौक हो सकते हैं और आप बाद में फेंक दें तो ये गलत बात है। सेकंड, ये देखें, ये कुछ है, ये मेरे माशाल्लाह कैट्स का घर है। एक बैठा हुआ है और ये कैट्स का घर है। ये तो ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट है, ठीक है। मैं ज़्यादा तो नहीं जानवरों की हेल्प कर सकती, पर जितनी भी कर रही हूँ। और कई लोगों ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ जानवर जो है उनको रेस्क्यू कर लेना ही इनफ होता है, जबकि इन्होंने कुछ खाना भी होता है, ठीक है। और ये डॉग्स का घर है, ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक शेप आ गई है, तो ये साफ है। ये अभी इस नया कमरा बना है, इसका छत अभी डल रहा है, तो ये कमरा बन गया और इसका भी छत डलना है। ये इनका ओपन एरिया होगा, ठीक है। तो ये वो डॉग है, आपको अगर याद हो, ठीक है, ये हमने रेस्क्यू की थी रंगपुरा साइड से। तो इसके पूरे इसको मतलब इसकी स्किन में मतलब इन्फेक्शन था और साथ पे इसके सारे सुराख हुए थे पूरी बॉडी पे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत सही हो गई है। ये सलीम साफ सफाई कर रहे हैं, इनके दो के हमने छत डाले हुए हैं कमरों के। एक ये रूम है, ये सलीम साहब इसका जो बर्तन है ना, ये बाहर ला के रख दे, पानी इसको फ्रेश डाल दे, चेंज कर दे। और एक ये रूम है, ठीक है। काफ़ी हमने खुले खुले रूम रखे हैं, आप देख सकते हैं। और ये ओपन एरिया डॉग्स का, साथ ही कैट्स के लिए हमने बनाया है स्पेस। और इंशाल्लाह जितने हमारे बाहर डॉग्स हैं उन सबको हम इसके अंदर बंद करेंगे, क्योंकि घरों से तो हर एक को डांट पड़ती है, मुझे भी पड़ती है, ठीक है। कि मेरे घर वाले भी कहते हैं कि निकालो इनको, बाहर फेंको, बट हम अभी तक तो ट्राई कर रहे हैं। आपको डॉग्स दिखाते हैं जो सोए हुए हैं। देखा, बाहर से हमने निकाल लिया क्योंकि अभी हमारा बजट नहीं था। ये भी हमने पौधे लगाए हैं, पर कुछ चल गए हैं कुछ नहीं चले। यहाँ हम डंकीज़ के लिए बनाएंगे स्पेस, ये जो हमने एरिया छोड़ा है। यहाँ मैं डंकीज़ हैं मेरे पास चार जो मैंने रेस्क्यू किए हुए हैं, उनके लिए मैं स्पेस बनाऊँगी। ये डॉग्स सोए हुए हमारे। इस टाइम पता थोड़ा सा वेदर बेहतर हो जाता है, आप देख सकते हैं कुछ डॉग्स ये सोए हुए हैं, कुछ इधर उधर सोए हुए हैं। ये कोको है, आपको याद हो कोको। कुछ डॉग्स ट्यूबवेल चल रहा है वहाँ जाके मतलब लेटे होते हैं क्योंकि वो ठंडा होता है एरिया। कुछ डॉग्स एक आई थिंक ये आप देख सकते हैं वहाँ जाके लेटे हुए हैं। इन अपनी मर्ज़ी के होते हैं, इनकी जहाँ दिल करता है ये वहाँ लेट जाते हैं।
इसको कभी कभी लगता है कि ये जब हमने रेस्क्यू किया था इसकी ना लेग मतलब फ्रैक्चर थी, तो अब माशाल्लाह ठीक हो गई है। तो अब इसको लगता है, इसको याद नहीं रहता सम टाइम, तो इसको याद आ नहीं रहता, तो ये कभी कभी ना फील करता है कि, और ये भूल जाता है कि मेरी कौन सी लेग फ्रैक्चर थी। तो ये कभी फ्रंट की कोई लेग उठा लेता है, कभी बैक की कोई लेग उठा लेता है, तो इसको ये याद ही नहीं है कि कौन सी इसकी टांग मतलब फ्रैक्चर थी। तो अब तो माशाल्लाह ठीक हो गया हुआ, भागता भी अच्छा है, बट कभी कभी इसको याद आ जाता है कि हाँ मेरी कोई टांग थी जो फ्रैक्चर थी। तो ये सब स्पेस का मतलब, अगर ज़रूरी नहीं कि मैं ही सिर्फ ये काम करूँ, बहुत से और लोग भी हैं, अगर वो 40-50 या जितनी भी उनकी कैपेसिटी है, 10-15-20 जितनी भी उनकी कैपेसिटी है, उतने जानवरों को अगर वो करते हैं फीड करवाते हैं, उतने जानवरों को अगर ये फीड करवाते हैं लोग, अगर नहीं ज़्यादा कर सकते आप अफोर्ड, तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं ना। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम मारे मत जानवरों को। अगर आप उनको फूड नहीं दे सकते हैं, उनको स्पेस नहीं दे सकते हैं, तो प्लीज़ उनको मारे भी मत। ये जैसे अभी रिसेंटली हमने एक केस देखा, एक नहीं बहुत से केस आ रहे हैं कि कोई छत से फेंक रहा है, कोई मतलब उनको शूट कर रहा है, कोई उनको पॉइजन दे रहा है। तो मेहरबानी है, अगर आप उनको खाना नहीं खिला सकते तो उनको मारे भी मत, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि मैंने अगर ये चीज़ स्टार्ट किया तो मैंने इसलिए नहीं की, कई लोग मुझे कॉल्स और SMS करते हैं और कहते हैं कि जी आप रख लें हमारे जानवर। भाई मैं एक बात एक क्लियर करना चाहती हूँ कि ये नहीं है कि मैंने अगर बनाया तो मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है। मैं एक इंसानियत के नाते कह रही हूँ, ठीक है। तो इंसान बोल सकते हैं, ठीक है, जानवर बोल नहीं सकते हैं, इसलिए मुझे जो लगता है कि ये ज़रूरतमंद है मैं उसको रेस्क्यू करती हूँ, मैं उसको स्पेस देती हूँ। मैं हर जानवर को नहीं कर सकती क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, सब बात है। लोग डोनेशन नहीं देते हैं, बट ये कह देते हैं कि आप करें रेस्क्यू करें, ये करें वो करें, हैं आपका फ़र्ज़ है ये। तो भाई क्लियर बात है, आपने अगर उनको जानवरों को परचेज़ कर रहे हैं या अडॉप्ट कर रहे हैं तो वो आपकी ज़िम्मेदारी, आप अपनी औलाद को तो नहीं फेंकते ना, तो वैसे ही वो जानवर आपकी फ़ैमिली का पार्ट है। मैं इन जानवरों को भूखा रख के कोई नया जानवर को नहीं कर सकती हूँ, मैं पहले जो मेरे पास है इनका खाना पूरा कर लूँ, यही मेरी सबसे बड़ी बात है, यही मेरा सबसे बड़ा एक होगा टारगेट कि मैं पहले इनका खाना पूरा करूँ। और जो मेरे पास कैट्स हैं या डॉग्स हैं, इनको मैंने न्यूटर कराया हुआ है, ठीक है, ये सब इनको मैं इनको हर ईयरली मतलब जो भी है इनका मतलब वो करती हूँ, इनके रेबीज़ के इंजेक्शन है या कुछ भी है तो ये सब मैं करवाती हूँ, ठीक है। ये सब एक्सपेंसिव होते हैं, फ्री तो कोई भी नहीं करके देता है ना, और जो उनसे हमारे मेडिसिन है इनकी, इनका फूड है, ये कोई भी फ्री नहीं देता है। बहुत कम है जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, कुछ रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो हमें देते हैं, बट वो भी उतना ही दे सकते हैं कैपेसिटी में जे कि इनका सबका खाना नहीं वो पूरा हो सकता है। तो इसलिए ये मत समझे कि ये फ्री पल रहे हैं या ये कुछ, ठीक है, ये खाना खाते हैं हमारी तरह, आपकी तरह खाना इनको भी चाहिए होता है। तो मेरे पास जो जानवर पहले से मौजूद हैं, पहले मैं उनकी मेडिसन उनका फूड पूरा करूँगी, देन मैं नेक्स्ट रेस्क्यू करूँगी या नेक्स्ट के लिए स्पेस होगी, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। मेरा मंथली का जितना खर्चा होता है, आपको भी पता है महंगाई हो रही है हर चीज़ में, तो इसलिए अगर मैं किसी को रिप्लाई नहीं देती हूँ या कॉन्टेक्ट मतलब वो नहीं करती हूँ या उनको रिस्पॉन्स नहीं देती हूँ, तो मैं उसके लिए अपॉलोजाइज हूँ। बट मैं अपॉलोजाइज इसलिए भी नहीं हूँ कि ये सिर्फ मेरा फ़र्ज़ नहीं है, आपका भी है। मैंने नहीं कहा था आपको अडॉप्ट करें या मैंने नहीं कहा था कि आपको करें, ठीक है। अगर मैं रेस्क्यू किया हुआ जानवर अगर आपको दे दूँ, कहूँ कि इसके अब आपने ज़िम्मेदारी उठानी है, तो आई थिंक ये ना हक होगा। तो इसलिए आप भी कोशिश करें कि खुद कोशिश करें, आप ये अपने आसपास गली में जहर देने की बजाय अगर एक गली में दो डॉगीज़ हैं या तीन डॉगीज़ हैं, आप उसको परेड करवा लें ताकि उनकी बादी नहीं भरे, ताकि उनको जहर ना दिया जाए। आप सिक्योरिटी गार्ड के पे करते हैं तो ये आपका एज अ सिक्योरिटी गार्ड भी काम करेंगे, अगर हम सोचें तो काइंडली प्लीज़ आप करें, कोशिश करें, देखें यही नहीं हमने रह जाना है।
तो काइंडली मेरी बस यही सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इनको मारे मत, इनको जहर मत दे। अगर आप उनको खाना नहीं दे सकते तो उनको मारने का हक़ भी नहीं है आपको, तो प्लीज़ इनको मारिए मत। ये अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, जैसे आप और मैं हैं वैसे ये भी हैं। प्लीज़ सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस तरह इनके साथ सलूक मत करें कि जैसे इनको दर्द नहीं होता, इनको भी उतना ही दर्द होता है जितना आपको होता है। आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ये लोग डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं। तो प्लीज़ ये सोचें कि अगर आपके साथ कोई इस तरह ट्रीट करेगा तो आप क्या करेंगे। सड़क, गली, मोहल्ले, ये इनका घर है। जैसे आप अपने घर में किसी को नहीं एंटर होते तो ये भी नहीं होने देते। और ये जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना कि जानवर आपको हार्म करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दो दिन उनको खाना डालें, इंसान आपको, इंसानों को आप 10 दिन भी खाना देंगे वो भूल जाएंगे, बट जानवर वो नहीं भूलेंगे। आप 2 दिन उनको दें वो आपको याद रखेंगे। मेहरबानी है इनकी, अगर आप दुआएं नहीं ले सकते तो बदवाएं भी मत लें। आपको नहीं पता कि आप कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। रिक्वेस्ट है जस्ट कि प्लीज़ ये सोचें कि आपको जैसे तकलीफ़ होती है, कोई आपकी स्किन के ऊपर अगर कोई गर्म पानी फेंकता है तो आप कैसे दर्द से होंगे, चीखेंगे चिल्लाएंगे। ये बेचारे अपनी तकलीफ़ किसको बताएं? फिर ये आगे से जब गुस्सा करते हैं तो आप लोग, हम लोग इनको फिर मारते हैं, पत्थर मारते हैं। हम गुज़रते हुए हॉर्न इतनी ज़ोर का बजाते हैं कि ये लोग डर जाते हैं, जिसके डर की वजह से ये लोग फिर आपके ऊपर बोलते हैं। तो ये सब कुछ गलत है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो जानवरों को आपसे तकलीफ़ नहीं होगी, तो आपको जानवरों से तकलीफ़ नहीं होगी, तो कोई भी किसी को हार्म नहीं करेगा। तो कोशिश करें कि सब अपने अंदर चेंज लाएं। तब तक के लिए खुद भी खुश रहें। जानवरों के साथ अगर आप अच्छा सलूक नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करें। बस यही रिक्वेस्ट है इसी लास्ट नोट में आपको। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुद भी खुश रहें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें, जानवरों का भी ख्याल रखें। आजकल गर्मी बहुत है तो पानी नहीं इनको मिलता है, जिसकी वजह से ये डिहाइड्रेशन होकर इनकी बहुत से जानवर मार रहे हैं, परिंदे मार रहे हैं। दरख्त नहीं काटिएगा प्लीज़, दरख्तों के चीज़ सोते हैं। तो ट्राई करें कि आपसे किसी को तकलीफ़ नहीं हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।